नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका लव गुरु बाबा जी अजमेर वाले यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर आए हैं लव मैरिज करने के सबसे आसान उपाय। लव मैरिज के लिए घर वालों को कैसे मनाएं, प्रेम विवाह करने का तरीका, प्रेम विवाह कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके घर वाले नहीं भी मान रहे हैं तो उनको मनाने के कुछ आसान टिप्स तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन्हें अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बड़ी आसानी के साथ लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज के लिए घर वालों को मना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे, कहीं भी आपको कुछ समझ ना आए तो तुरंत आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी पर कॉल कर सकते हैं और सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो प्यार के मारे होते हैं, जो एक दूसरे को प्यार तो कर बैठते हैं लेकिन उनका भी प्यार सिरा नहीं लग पाता, मतलब कि उनका प्यार बीच में ही टूट जाता है। कारण यही होता है कि उनके घर वाले नहीं माने या फिर कोई और उनके पेरेंट्स में से किसी ने मना कर दिया। अगर आप किसी को मनाते भी हैं, उनको तैयार कर लेते हैं लव मैरिज के लिए और फिर अचानक से आपको पता चलता है कि कोई और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और उसने आपके प्रेम विवाह को रोक दिया तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसे में घर वालों को कैसे तैयार किया जाए कि वो मना नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुछ सही तरीके होते हैं, वही तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर उनसे आपको बात ना बने तो आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको कुछ टोट के तरीके बताऊंगा। इसके लिए आप, अगर आपकी कुंडली बनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन प्रिंट पर। व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको जो भी आपकी कुंडली में आपका प्रेम विवाह के योग है नहीं है उसकी जानकारी दूंगा और उसके बाद आप उसके उपाय भी आपको दिए जाएंगे। अगर आप वो करते हैं तो आप बड़ी आसानी से साथ अपने प्रेम विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रगति की राह पर ला सकते हैं। तो कुछ टिप्स क्या होते हैं कि घर वालों को एक साथ कभी ना बताएं, मतलब कि पहली ही बार में ना बताएं, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि आपके घर वाले आज बहुत खुश हैं तभी आपको ये जानकारी देना सही रहता है। दोस्तों, अपने पार्टनर्स को पहले जरूर तैयार करें कि वो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार भी है नहीं, उसके बाद अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए। घर वालों को मनाने का आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके किसी अदर कास्ट में से बिलोंग है, करते हैं, जिससे भी शादी कर रहे हैं तो मनाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है अगर ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं। अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए आसान भी कार्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ और उपाय टोटके जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप हमें कुंडली जरूर दिखाएं, दिए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।